फ्रेंड्स, पैडल इक्वेशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के से रिलेटेड अगला एग्जांपल है हमारे पास। इफ द पैडल इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, एक कर्व की हमारे पास पैडल इक्वेशन दी हुई है, ये पी स्क्वायर इक्वल टू आर फोर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फ्रेंड्स, इसको आर्किमिडियन स्पाइरल भी कहते हैं, इस इक्वेशन को आर्किमिडियन स्पाइरल भी कहते हैं। देन फाइंड द रेडियस ऑफ होल कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की फॉर्मूला जो हमारे पास है वो हमारे पास सिंपली रो बराबर आर डी आर अपॉन डीपी, ये है। तो हमें निकालना क्या है, इसके लिए डी आर अपॉन डीपी निकालना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को विद रेस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि पी स्क्वायर बराबर है हमारे पास आर फोर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं पहले आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू आर फोर, या इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर फोर इक्वल टू वन अपॉन पी स्क्वायर, क्योंकि वन अपॉन पी स्क्वायर डिवाइड करते हैं और ये आर फोर ये आ गया। तो अब इसको लिख सकते हैं वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर फोर आर टू द पावर फोर, ये इक्वल टू वन अपॉन पी स्क्वायर। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दे विद रेस्पेक्ट टू पी, तो ये हो गया हमारे पास। तो इसको करेंगे आर क्यू आर स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन आर क्यू माइनस का टू आ गया जाएगा, और डी आर अपॉन डी पी प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर भी माइनस फोर आ गया जाएगा, और ये हो जाएगा आर फाइव डी आर अपॉन डी पी इक्वल टू, जब इसको करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू पी, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन पी माइनस का साइन आगे। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहां से अगर हम डी आर अपॉन डी पी कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बच जाएगा माइनस टू अपॉन आर क्यूब, माइनस का साइन भी कॉमन ले लिया साथ में, माइनस टू अपॉन आर क्यूब प्लस ये हो गया हमारे पास फोर ए स्क्वायर अपॉन आर फाइव, फोर ए स्क्वायर अपॉन आर फाइव और डी आर अपॉन डी पी इक्वल टू माइनस वन अपॉन पी, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम और अगर सोल्व करना चाहें, फिर यहां से हम सिंपली इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं रो के लिए, यहां से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं या इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। तो हमें यहां पे चाहिए आर डी आर डी पी, तो हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं आर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन आर क्यूब प्लस फोर ए स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर फाइव, ये हो गया आर डी आर डी पी इक्वल टू माइनस आर अपॉन पी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहां से आ गया हमारे पास आर डी आर अपॉन डी पी, जिसको हम रो भी कहते हैं, इक्वल टू आर अपॉन पी, और ये हो गया हमारे पास नीचे इसका टू अपॉन आर क्यू प्लस फोर ए स्क्वायर अपॉन आर फाइव। तो बस इसका आ गया एलसीएम लेके इसको और सोल्व कर सकते हैं चाहे तो हम, यानी कि जब एलसीएम लें तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, एलसीएम लेंगे तो आर अपॉन पी तो ये रहेगा रहेगा, ये अगर एलसीएम लेंगे तो आर की पावर फाइव एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टू आर स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये इसको हम लिख सकते हैं आर अपॉन पी और टू आर स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो आर फाइव था ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आर फाइव, यानी ये हो गया आर टू द पावर सिक्स अपॉन टू पी, और ये हो गया आर टू को मान लिया ऐसे आर स्क्वायर प्लस फोर टू ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ जाएगा, यानी हम रूल जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं।